जल्दी बोलो, रिकॉर्डिंग कर हाँ, बोलो ना सामान बोलो जल्दी की, जल्दी बोलो जल्दी बोलो ये मतलब कैमरा बंद होने के बाद बोली थी। क्या हुआ क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं यार। गाइस देख सकते हैं यहाँ सास पुतोह मिलके आम का बाजार लगा हुआ है, और ये क्या हो रहा है, ये उस डेरा पे जाने का आम का जो है अथी लग रहा है, हिस्सा लग रहा है कि एगो पन्नी वहाँ एगो पन्नी वहाँ एगो पन्नी वहाँ। तो सुबह सुबह सास पुतोह मिलके दुकान खोल लिया आम का, देख सकते हैं 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अशोक सोनी ब्लॉग। तो अभी देखिए हम नहा करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और हाँ आज जाना है दरभंगा रिचार्ज कराने के लिए, मतलब दुकान का रिचार्ज खत्म हो चुका है, तो उसके लिए कल ही फोन किया था भरत, पर कल डेंटल को ले जाना था, और ये सोनी गुप्ता ना रेडी हो गई थी नहा ली सुबह, अभी जा रही कपड़ा पसंद। और हाँ पता नहीं आज भरत का थोड़ा सा फोन पर बात किया है उसी से पता चला था, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उस पर, हाँ थोड़ा सा परेशान लग रहा है, पता नहीं नींद उंद लग रहा हो जो भी है, तो भी चलते हैं जल्दी से और फिर हाँ देखते हैं। यहाँ पहले ग्रिल जाके खोलना पड़ता है, बड़ा बड़ा गेट है वो जाके खोलना पड़ता है, उसके बाद गाड़ी निकालना रहता है, उसके बाद वो टिप्पी लेके जाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहा आम ये रहा टिप्पी, तो ये लेके जाएंगे बाहर। तो गैस अभी दुकान पहुंच गए हैं, और अब भरत से पूछते हैं, उधर गया है आ रहा है तो कि क्यों उसका मतलब जो है मुँह उदास है या मतलब जो भी है, तो पूछते हैं फिर दिखाते हैं। तो गैस देखिए अभी भरत आया है, पूछते हैं भरत अब मुँह कला उदास कला चल हुआ, हाँ मुँह कला उदास बोलिए नहीं रहा, देख लीजिए हाँ कदी बोलो तब फिर बोल रहा नहीं कुछ है, मतलब मुँह भी उदास हुआ था फोन पे, तो हमको लगा कि नींद लग रहा होगा। तो गाइस देखिए अभी खाना खाएगा भरत, तो बाद में पहले हम जा रहे हैं दुकान का रिचार्ज कराने, क्योंकि लाइन कभी भी कट सकता है, तो चलिए मिलते हैं वहीं। गाइस अभी तो हम पहुंच चुके हैं बिजली ऑफिस, यहाँ रिचार्ज कराना है, तो देख सकते हैं इधर का नज़ारा, तो अभी हम जाते हैं टोकन कटाते हैं फिर रिचार्ज कराएंगे फिर चलेंगे। तो गाइस हम टोकन तो कटवा लिए हैं जो कि देख सकते हैं, और अब रिचार्ज कराते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम रिचार्ज करा के तो आ चुके हैं दुकान, और भरत गया अभी खाना खाने। तो गाइस भरत खाना खाने गया, तो देखिए अभी 2:40 हो गया, अभी तक नहीं आया है, और हम खाना भी नहीं खाए हैं, भरत आके खा के सो गया, तो अब आएगा तो चलेंगे हम भी खाना खाने के लिए, बहुत लेट हो गया। तो गाइस अभी हम डेरा पहुंच गए हैं, आए खाना खाने के लिए, और अब गेट लगा हुआ है, गेट खुलवाते हैं, सोनी गुप्ता को देखते हैं क्या करती है। मम्मी अभी गेट खोल के गई है, और ये सोनी गुप्ता सोई हुई है आराम से। तो गाइस अभी सोनी गुप्ता सोई हुई है, तो छोड़ देते हैं सोए, देखिए जब बोले छोड़ देते सोए हुए तो उठ गई, देखिए देखिए खाना ला रहे। गाइस हमारा खाना आ चुका है, देख सकते हैं चावल भुजिया अचार और ये कड़ी बड़ी, जो कि ये सोनी गुप्ता का फेवरेट है और मम्मी का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट है, पर हमको आज खाने का मन नहीं था, ये सोनी गुप्ता को कल ही खाने का मन था, पर ये किसी को बताया नहीं, और आज मम्मी सुबह बोली, क्योंकि सुबह कल मतलब कल कोई सब्जी हम नहीं लाए ना क्योंकि तबीयत खराब था, तो सुबह बोले सोयाबीन ले आवे, तो मम्मी बोली ऐसे अच्छा करिए बड़ी, तो मेरे करी नहीं अच्छा लगा हमारा, तब बोली मम्मी कि तो सोनी गुप्ता बोली हाँ 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 हाँ, मतलब इसको तब फिर ये हमको बात रहता है कि हमको कल ले खाने का मन था, तो इसका मम्मी का मन था तो इसलिए बना है, तो सबको ऐसे अच्छा लगता है। तो अभी सोनी गुप्ता ला कर दिए, उठ गई है बेचारी, देख सकते हैं नींद लगा हुआ, इसी का बाहर है सोई रहती है, हमको खटना पड़ता है, और ये अभी बोले कि क्या कि बोरे में ही सुतल होता, हमको एक दिन बोले ना इसको कि तुम्हारा ही बाहर है रे, तो ये बोलती है आप जो सुबह सोते रहते हम काम करते सो, तो ये है। गाइस देखिए अभी जो यहाँ चाय चल रहा है, अभी 5 बजे है, लाइट चला गया, इतना गर्मी है, मम्मी पंखा हाँक रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी घर में, इसलिए हम चाय लेकर के बाहर आ गए हैं, तो फिर चाय पीते हैं फिर चलते हैं दुकान, दुकान से कुछ ला कर देते हैं फिर चलेंगे अपना दुकान। तो गाइस पनीर ले लिए हैं, जाते हैं डेरा। तो गाइस अभी पनीर लेकर तो आ गए, देख लिया, और हाँ मम्मी बोल रहे अभी सोनी गुप्ता बोल रहे थे भूकंप भाग ले, अभी लाइन कटवा देते, बोल रहे थे हमको गर्मी ही नहीं लगता है, ठंडा लग रहा है, एसी चल रहा है, और ये देखिए अभी, और पनीर क्यों लाए, सब्जी तो था नहीं जो आपको पते हैं, और पनीर सबसे अच्छा लगता है घर में हमको, वैसे सबको अच्छा लगता है पर हमको सबसे ज्यादा, तो अब चलते हैं दुकान में। सबसे ज्यादा सोनी गुप्ता को नहीं अच्छा लगता, इसको क्या मछली उछली चाहिए मीट उठ चाहिए, तो चले ठीक है, तो हम चले दुकान।
अभी हम जाने लगे दुकान तो सोनी गुप्ता बोली सामान लेके मम्मी खाना करें, मम्मी को गर्मी लग रहा है, पंखे बंद कर दिए फिर इतने गर्मी में। और मम्मी बोल रही है जल्दी जल्दी बोलू ना कि जल्दी हम खेबो करो, फिर जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो जल्दी बोलो रिकॉर्डिंग हाँ बोलो ना सामान बोलो जल्दी की जल्दी बोलो जल्दी बोलो सत्तू साबुन कपड़ा वाला साबुन हाँ ठीक है जल्दी ठंडा तेल जल्दी और क्या है सब्जी ठीक है चलो बाय सब सलाई है हाँ देखो यहाँ सलाई के तब बाप रे एक दो चार किलो ले आ चलिए। तो गैस देखिए हम आए थे कब और अभी 7:40 हो रहा है, आप जाएंगे डेरा और ये ऋतु डेरा जाने के लिए परेशान है, कला जाए डेरा के इतने छोटे जो दिखिए नहीं रहे कुछ लाइन तो कला जा भी ये सबको डेरा जाने के लिए जो है परेशान रहती है एकदम। तो अभी तो हम जाएंगे सिर्फ इसको छोड़ के कल ले जाएंगे इसको गाइस देख सकते हैं सोनी गुप्ता जो बोली थी सब्जी सब लेकर के आए हैं और ये देखिए एक नया चीज लेकर आया वो ये उस वक्त ये मतलब कैमरा बंद होने के बाद बोली थी तो यहाँ पर का सब दुकान घूम लिए कहीं नहीं मिला था तो हम बोले आएंगे उधर से तो लेकर आएंगे तभी लेकर आएंगे उधर से। और हाँ बाकी सामान जो है वो पापा लेके आएंगे सत्तू और साबुन सब। तो हाँ लाइट कटा हुआ है, हम घर में आए लाइट कटा हुआ है, मम्मी अंधार में पूजा कर रही है, देखिए अंधेरा में बैठ के पूजा कर रही है। गाइस एक चीज आपको दिखाते हैं, ये सोनी गुप्ता का कमाल, देखिए चाय बनाती रहती है बाटी में और अभी देखिए चावल बना रही है, किस चीजों से दिखाते हैं ये इसमें चावल बना रही है, देखिए सस्पेन में चावल। इसको हम आज इसके लिए सुबह में डांटे हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसको डांटे कि इसमें अगर बना तो आज हम जो है बाटी को तोड़ कर फेंक देंगे लेकिन देखते हैं इसको कल से क्या हाल रहता है, देखिएगा किसमें सस्पेन में ना हाँ तो आज बोले हैं तो आज बनाई है ऐसे ही बना कर तो चाय ठीक चाय अच्छा लगता है इसमें बनता है बढ़िया मारबो करबो। सोनी गुप्ता जो बनाई है सब बाप रे भारी है और दिखाते हैं आपको सोनी गुप्ता ये सब्जी बनाई है तो वो देखिए ये सोनी गुप्ता सब्जी बनाई अच्छा है हालांकि अच्छा लग रहा है देखने में। अब टेस्ट खाने के बाद देखेंगे और इसमें तो रोटी होगा तो हाँ रोटी और पनीर का सब्जी बना है पनीर आलू का और ये अपने लिए चावल बना रही है क्यों बना रही है चावल क्या हुआ बोलो कुछ नहीं बस यार जल्दी करके ना गर्मी अच्छा ठीक है सुबह जाओ इसको हम रोक करके रखते हैं इसलिए ये पन पन रहा है। तो गाइस अभी हम आए हैं पानी भर के और आप जा रहे हैं छत पर से गेहूँ उतारने के लिए और हम बोले सोनी को कि काम हमेशा रख ले रहती है तो मम्मी बोलती है के उतार कर लेते तो ये देखिए चलिए हम गेहूँ लाते हैं। तो गाइस देखिए हम गेहूँ लेने के लिए आए थे तो छत पे बैठे हैं, अभी भरत आया दुकान से तो 9:15 हो गया है अभी तक छत पे ही हैं तो भरत भी आके छत पे बैठ गया, अब हम चलेंगे नीचे और खाना खाएंगे। भरत आता है दुकान से तो थक जाता है देखिए अभी देखिए मम्मी और पप्पा भरत खाना खा रहे हैं इसमें भरत और मम्मी में चल रहा है कम्पटीशन रोटी निकालने का तो हाँ हम खाना अभी नहीं खाएंगे क्योंकि खाना मेरा ही परसा रहा था पर हमको अभी खाने का मन नहीं है तो फिर निकलवा दिए। गाइस अब हम खाना खाएंगे, अभी हम नहाए हैं जस्ट लेकिन ये अभी कपड़ा नहीं पहने इसलिए नहीं दिखा रहे हैं हाँ ये देखिए और ये सब्जी चावल जस्ट चावल का रोटी और ये करी नहीं खाएंगे हम, ये आम जो भरत को दिया भरत नहीं खाया तो अब हम खाएंगे देखते हैं। तो हाँ और ये सोनी गुप्ता चावल बनाई थी पर चावल हमको नहीं दे रही है छुपा के रखे हुए हैं तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में और डेली ब्लॉग चल रहा है तो कल मिलते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बोलो ना तब तक के लिए बाय, इसको बस बाय कर देना था।